आर्थिक लाभ के लिए ठेकेदार ने एमआईडीसी सरकार की मिलीभगत से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन को नष्ट कर अंबेडकरी लोगों की पहचान को चुनौती दी है। ठेकेदार को गिरफ्तार कर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनना चाहिए मांग की है। संविधान चौक से शुरू हुए आंदोलन के दूसरे चरण में इंदौरा चौक पर धरना दिया गया। सरकार को चेताया था, समय रहते उचित संज्ञान लें, अन्यथा यह आंदोलन भविष्य में जन आंदोलन में बदल जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बचाव कार्य समिति के माध्यम से नागपुर शहर के प्रमुख स्थानों पर धरना देकर 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक नागपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन किया जाएगा। अगर सरकार इसे नजरअंदाज करती है तो 20 दिसंबर को नागपुर विधानसभा में धरना मार्च निकाला जाएगा। मुख्य आयोजक किशोर गजभिये की उपस्थिति में डीएम के धरना आंदोलन में बेलेकर की अध्यक्षता में नानवरे बालू खरडे, सुधीर वासे, राहुल पारुड़कर, रामभाव अंबुलकर, तुको कोचे, भीमराव वैद्य, अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।